हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लास्ट व्लॉग। और ये लास्ट व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो पूरी की पूरी ट्रिप थी वो बिल्कुल बेस्ड थी टोटली इसी के ऊपर। सो अभी मैंने ट्रैकिंग ख़त्म कर ली थी और आगे का व्लॉग जो मेरा था वो शुरू होने वाला था बिल्कुल लास्ट स्टेप पे, जो पार्वती कुंड है वहाँ पर नहाने के लिए जाने वाली थी मैं। और उसके बाद वहाँ से नहाने के बाद मुझे वापस नीचे उतरना था ट्रैकिंग करते हुए, एंड उसके बाद मुझे अपना दिल्ली के लिए वापस आना था। और रास्ते में कौन कौन से आपके नेटवर्क्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं वो वाले, एंड सेकंड थिंग आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन सी बातें होती हैं, वो सब मैं आपको इस ट्रैक में आपकी कवर हो जाएंगी इस ब्लॉग में। आई होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। बाकी दोनों ब्लॉग से सबसे इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग है, लास्ट व्लॉग है, इसमें मैं बिल्कुल दिल्ली पहुंच जाऊंगी। सो आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ मेरे बच्चों के सुबह के साथ, और मुझे इसी के साथ ही काफ़ी तेज़ धूप दिखाई दे रही है जो कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। जो मुझे रुकाने जा रहा, मैं बाहर जा कर देखती हूँ। ओह माय गॉड, धूप निकल गई है काफ़ी अच्छी, देख सकते हो धूप कितनी बड़ी, सूरज दिख रहा है आपको। और ये पीछे जो बर्फ़ गिरी थी वो हल्की हल्की मेल्ट हो गई है, वो देखो पीछे, नाइस, बहुत ही जहर नज़ारा, गुड। देखो मैंने सोचा था काफ़ी बर्फ़ वगैरह गिरेगी, तो बर्फ़ तो नहीं गिरी, वो सिर्फ ऊपर तक ही रह गई है, एंड उधर है हल्की सी। और अभी मेरा जो काम है वो मैं झूल रही हूँ झूला, इसलिए कैमरा भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे मुझे। गाइस, मेरा ये रास्ता है आगे जाने का, जो हम जा रहे हैं खीर गंगा में स्नान करने के लिए। चलिए, और यहाँ से फिर से मेरी हल्की सी चढ़ाई शुरू हो चुकी थी पार्वती कुंड में नहाने जाने के लिए, और ये रास्ता भी थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर था। सो थोड़ी देर चलने के बाद में मैं पहुँच चुकी थी ऊपर पार्वती कुंड में। मैं पहुँच गई हूँ, सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, मैं मुँह से सांस ले रही थी। आप प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, मुंह से सांस मत लेना गले में, और आपके पेट में बहुत दर्द हो सकता है, मुझे रात में बहुत दिक्कत हुई है सांस लेने में, तो आप ऐसी गलती ना करें। अब मैं ऊपर आने के बाद पीछे का अब अच्छा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए वादियाँ, ये लेडीज़ के लिए है, उससे आगे जेंट्स के लिए है, वो रास्ता है ऊपर आने का। वादियाँ आप मेरे सामने देख रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक भयंकर नज़ारा है, आपके मन को मोह लेगा। गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ, एंड अंदर स्विमिंग पूल के अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, एंड वो एक रेलिवेंट चीज़ भी है। सो काफ़ी मज़ा आया, बहुत गर्म पानी था इतनी ठंड होने के बावजूद, जहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री के पास टेम्परेचर हो और आपको गर्म पानी मिले और आपको नहाना पड़े, तो उस हिसाब से मुझे कोई ठंड नहीं लगी। और अभी मैं नहा के निकली, मुझे कोई ठंड नहीं लग रही, अगर मैं घर पे अगर नहा के निकलती तो मुझे शायद तो हो सकता था ठंड लगती, मैं कांप रही होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का हल्का सा लग रहा है गर्म पानी में नहाने के बाद में। बहुत पूरी ट्रैवलिंग की जितनी भी थकान होती है वो यहाँ पर नहाने के बाद में आपकी थकान सारी की सारी दूर हो जाती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है, जो कि मुझे सही भी लगा क्योंकि मुझे खुद फील हुआ है। और उसके बाद में नहाने के बाद में मैं गई शिवजी के मंदिर में, क्योंकि शिवजी के मंदिर में अंदर जाके वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वो माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी, बट काफ़ी शांति मिली यहाँ पर आकर। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे रहने के बाद मैं वापस आ गई थी, वापस आके क्योंकि मुझे अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद में मुझे निकलना था
यहाँ से। और बस इतना ही बोलूँगी, ओवरऑल कंक्लूजन ये कि बहुत सुकून मिला यहाँ पे आने के बाद में, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि जब तक आप आएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। तो वहाँ से निकल चुकी थी मैं आने के लिए, और बैग वगैरह मेरा सब कुछ पैक था, और मेरा ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल रेडी था, और खाना खाने के बाद में मैं निकल चुकी थी। और निकलने से पहले थोड़ी सी मस्ती की, वीडियो बनाई, ये सारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। इस जगह को मैं बोल रही हूँ बाय बाय, क्योंकि मेरा निकलने का टाइम हो गया है और टाइम हो रखे हैं 10:30, और मुझे निकलना अभी। मैं निकलूँगी तो मैं होपफुली 1-1.5 बजे तक पहुँच जाऊँगी, क्योंकि उतरने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग भी दिखाई दिए मेरे साथ में जो वापस जा रहे थे। ये सभी उतरते टाइम थोड़ा केयरफुली उतरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का बैलेंस बना के उतरना है। चढ़ते टाइम थोड़ा जोर लग गया था, लेकिन उतरते टाइम मुझे बैलेंस बना के उतरना है, क्योंकि नीचे की साइड में थोड़ा ज़्यादा फोर्स रहेगा। सो ये आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल जाना है घने रास्ते में से, और थोड़ा केयरफुली मुझे उतरना होगा। लेट्स गो। और यहाँ से मेरा थोड़ा सा भागना शुरू हो गया था, मैंने थोड़ी जल्दी चलना शुरू किया, और क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना था वहाँ पे। और मुझे रास्ते में कुछ एक पैसेंजर मिले जिनका जो बैग था वो कंफर्टेबल नहीं था ट्रैवलिंग के हिसाब से, जिसको संभालने में वो काफ़ी दिक्कत हो रही थी उतरते टाइम। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद मुझे वहाँ पे जो जानवर होते हैं पहाड़ों के, मुझे वो दिखाई दिए। मैं तो दिल से सैल्यूट करती हूँ जानवरों को, बेचारे कितना सामान कैरी करके चलते हैं। और इससे आगे मैंने फिर से अपना ट्रैक आगे शुरू कर दिया था। मैं बीच में इसलिए मैं रुक की चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने आते टाइम सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको कवर कर दी थी। रास्तों के बीच में से लैंडस्लाइडिंग वगैरह थी, पेड़ काटे हुए थे थोड़ी ऊपर नीचे। आगे जो है हल्की सी चढ़ाई है, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा भी चल रही है, पर अभी ट्रैक पूरा करना है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो आधा भी नहीं हुआ पूरा। चलो जी, हल्का हल्का दिखना शुरू, फाइनली आधा रास्ता क्रॉस हो गया, क्योंकि मुझे कैंप्स दिख गए हैं वो रहे, यानी कि मैंने आधा रास्ता तय कर लिया है। ये इनको सेटिंग अरेंजमेंट, वॉशरूम भी बनाए हुए हैं। जाते टाइम यहाँ से जब जा रही थी तो कल बारिश हो रही थी। यहाँ भी कैंप्स। और मेरा 3 किलोमीटर का रास्ता कवर अप हो चुका था, बाकी का रहता था। काफ़ी शांति दिखती हुई मुझे यहाँ पे, सिर्फ पक्षी बोल रहे हैं यहाँ पे। नज़ारा खतरनाक वाला है, अति उत्तम। अभी मुझे इस वाले रास्ते से होते हुए जाना है आगे, उसके बाद आएगा फिर वो झरना जहाँ पे कल रुके थे थोड़ी देर के लिए। सो मिलते हैं आपको उस झरने पे ही। ब्यूटीफुल नज़ारा, ये शायद मैंने कल नहीं नोट किया था, बहुत सही है। इट्स आप देख सकते हो ऊपर से आ रहा है ये, और नीचे बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ पहुँच जा रहा है ये, जहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ओके सो अभी मैं आगे की कंटिन्यू करती हूँ उतरना। ऑलमोस्ट मैंने हाफ वे कर लिया है ख़त्म, और मैं प्रेफर करूँगी थोड़ा अच्छे वाला रास्ता, क्योंकि रास्ता वैसे ये वाला भी है, मैं आई इस वाले रास्ते से थी, बट मैं ये वाला प्रेफर करूँगी, क्योंकि उतरते टाइम मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना है। सो मैं हल्के हल्के उतरती हूँ, मिट्टी भी गीली हो रखी है, ऊपर से पहाड़ भी टपक रहा है, सो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी ग्रिप बनाने की ज़रूरत हो मुझे। सो मैं हल्के 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 ऑलमोस्ट उतर गई हूँ मैं, और यहाँ पे ये मेरा कल वाला रास्ता आ गया है। अरे मैं धीरे धीरे बस मेरा फ़ोन ना गिर जाऊँ, नहीं तो मेरी वीडियो बनाना निकल जाएगा इसके अंदर से ही। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, चलो जी हो गया क्रॉस। ओह चलो 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 चलो, कल मैं बैठी थी झरना पीछे से बह रहा था, और मैं झरने के पास वीडियो बनाने के लिए गई थी, पर वहाँ पे कुछ और लोग भी पहुँच गए थे, तो मैं वापस आ गई वहाँ से। ये भैरव हमारे साथ अभी रास्ते में आ गया, वो वाला मिला था रास्ते में, वो छोड़ के भग गया है, फिर कुछ देखने लग गया है, इसे पता नहीं क्या ही दिख रहा है।
बार बार रास्ते बंदर दिखते, बहुत गंदे तरीके से भागता है ये। ये फिर इसे कुछ दिख गया। चल चल बुग्गू चल। अरे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अच्छा गाइज, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फैलाया हुआ है, जबकि पहाड़ों में प्लास्टिक बैन है टोटली। मुझे सब लोगों से रिक्वेस्ट करें, जो जो वहाँ पे जाते हैं, प्लीज़ आप अपनी बॉटल कैरी करके चलें, ऐसे रास्ते में ना फेंकें। अगर आप किसी सुंदरता को उसकी को देखने आ रहे हो और आप खुद ही उसकी सुंदरता को ख़राब कर रहे हो, बहुत गलत बात है। आने वाले टाइम में आपके बच्चे आएंगे, कोई भी आएगा, वो अगर ऐसा ही हाल रहा तो कोई आना नहीं पसंद करेगा। तो प्लीज़ अगर आप बॉटल लेके चल रहे हो, कैरी करें, तो उसको डस्टबिन में डालें प्रॉपर, और या फिर अपने साथ में कैरी करके चलें। बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। मेरा बहरनाथ वहीं पे बैठ गया है। आना नहीं है? हेलो आना नहीं है? क्या देख रहा है उधर? पता नहीं से क्या ही दिख। बड़ी आ गया, अभी बड़ी चलेगा मेरे से। आगे चलो ठीक। चलो ये फिर खड़ा हो गया, पता नहीं कौन सी फूलमती को देख रहा है ये। हैं भाई, ओए आना नहीं है? अच्छा चलो इधर से उतरना है। क्या देख रहा है तू? क्या ढूंढ रहा है? गुलाबों खो गई तेरी? है बड़ा माँ साइड लग रहा है, मायूस सा मुँह बना रखा है। मिल गया रास्ता, पर थोड़ा केयरफुली उतरना पड़ेगा मुझे, पैर स्लिप हो सकते तो पेड़ की जड़ें हैं। भाई बुग्गू तू उतर ले, मेरे साथ क्यों खड़े तू? चलिए जी, ये मेरा पैर स्लिप तो नहीं हुआ। हाँ नहीं, तेरे तो पंजे हैं, तू तो उतर जा आराम से। हैं चल भाई आ जा। ओह तुम्हारी नौजी आ गई है कल की तरह ही। आ जा जा, साथ में छोड़ यार तू। आ जा, अब तो ऐसे पहुँचने वाले हैं। आ जल्दी आ जा। शाबाश शाबाश। चलो मेरा भैरवनाथ है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि बहुत शुभ होता है अगर कोई भी कुत्ता आपके साथ में चल रहा होता है, तो वो भैरव का रूप माना जाता है, बहुत ही लकी और शुभ होता है। सो मुझे आते टाइम भी मिल गया था और जाते टाइम भी मिल गया था। चलो जी, और ये शेरू जाते हुए आगे पुल क्रॉस करेगा लौंडा। चल 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 चलो 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 चलो। डर क्यों रहा है? चलो रुक गया। चल मैं और मेरा शेरू पहुंच गए हैं कलगा, दिख रहे होंगे आपको घर वर छोटे छोटे। सो अभी मुझे 15 से 20 मिनट और लगने वाली है, तो पहुंचने में होपफुली मैं आते टाइम, मुझे इतना टाइम नहीं लगा, जाते टाइम मुझे चार घंटे लग गए थे। सो आते टाइम मुझे कम टाइम लगा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में 10 बजे चली थी, तो मेरा एक तो नहीं यार, आते टाइम भी 4 घंटे लगे, बट मुझे कुछ वीडियो के शूट करने लग गई थी तो उसमें टाइम लग गया। बस अभी तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ कलिया में, और ये शेरू आगे का रास्ता नापते हुए। अल्लू 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 मोरिया, ये आराम, ये पक्षियों के पीछे घूम रहा है, शर्म नहीं आ रही। चलिए जी, शेरू अपनी थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हुए, क्योंकि उसके पंजों की ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है। मैं इंसान बर्फ जो पड़ी हुई है ना, ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल एडिटिंग कर रखे, पेंट मार रखा है फ्रेश वाला, ऐसी सी फीलिंग आ रही है, और इतनी क्लियरिटी दिख रही है अलग से। आप आओगे नंगी आंखों से अपनी से देखोगे, सब बहुत प्यारा व्यू दिखेगा, बहुत ज़्यादा प्यारा। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं, अभी मेरा व्यू बस ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई हूँ। मैं जहाँ पे पिछले 2 दिन रुकी थी, तो मैं कलगा में वहाँ पहुँचूँगी। अपना फ़ोन वोन चार्ज करना है मुझे। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपने फ़ोन चार्ज करके रखें हमेशा। एंड सेकंड थिंग ये कि आपके जो नेटवर्क हैं वो आपके रहेंगे सिर्फ आधे रास्ते तक, खीर गंगा के आधे रास्ते तक आपके नेटवर्क रहते हैं यहाँ पे फ़ोन के, जिसमें आपका डाटा चलता है। उसके बाद आपका BSNL के चांसेस होते हैं, BSNL आपका चलता है यहाँ पे पहाड़ों में। सो अगर आप ट्रिप पे आ रहे हो तो BSNL का सिम ज़रूर लेकर आएँ,
अगर आप बात करना चाहते हो, अदरवाइज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, उसके बाद सिर्फ आपका नॉर्मल कैमरा ही काम करेगा, आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। चलिए जी, मैं नीचे पहुँच गई हूँ। कहाँ है बुगू? अपने शॉर्टकट से उतरा है। कहाँ है? आ जा बेटा, चलते हैं। चलो चलो, भाग गया। फाइनली पहुंच गई मैं, और ये अपनी पुराने वाली डेस्टिनी पे। चलो जी, कैफे। यहाँ से भी चल पड़ी हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि मुझे दिल्ली से खबर मिली है कि लॉकडाउन लगने वाला है वहाँ पे। सो लॉकडाउन लगने से पहले मुझे निकलना होगा ताकि मैं वहाँ पे टाइम से पहुँच जाऊँ, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, कैफ़े के साथ में भी काफ़ी अच्छा रहा खीर गंगा का एक्सपीरियंस। सो मैं अभी नीचे की तरफ बढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, एंड अभी यहाँ पे ठंड है, बट दिल्ली में शायद क्या गर्मी ही होगी दिल्ली में, तो यहाँ पे हल्की सी ठंड है अभी नीचे। ऊपर और भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और भी है। नाइट में टेम्परेचर 3 या 4 पे चला जाएगा यहाँ पे। सो अभी मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे मुझे बस पकड़नी है आगे से, वर्षैणी जो जगह का नाम है वहाँ से मिलेगी। तो मुझे पैदल जाना है, 30 मिनट का मेरा रास्ता रहेगा वो, जो मुझे पैदल चलना है। सो मैं आपको एक बार पीछे का लुक दिखा देती हूँ। यहाँ से उतर के आई हूँ अभी, एंड मुझे भी यहाँ से और अब गांव थोड़े थोड़े से आपको घर दिख रहे होंगे, मुझे वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। सो चलते हैं। तो यहाँ से मेरी उतराई जो थी वो शुरू हो चुकी थी, और मैं बिना रुके हुए ही लगभग अपना 1 घंटे का मेरा रास्ता था, 1 से 1.5 घंटे के बीच का वो मैंने कवर किया। रास्ता कहीं पे कुछ ख़राब भी मिला मुझे, काफ़ी ठीक भी लगा, बारिश की वजह से थोड़ा हो रखा था ख़राब। और थोड़ी देर चलने के बाद पे मैं प्लेन रास्ते पे पहुंच चुकी थी। गाइस, मैं उतर गई नीचे कलगा से, और ये यहाँ पे इनका डैम बन रहा है, कोई कुलगा डैम बना हुआ है। सो जनरल नॉलेज की भी बात है, ऊपर से वो पहाड़ अब बिल्कुल बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो जिनके ऊपर बर्फ पड़ रही थी जहाँ पे थे, वो वाला तो बहुत ही सही चमक रहा है धूप में। तो यहाँ से मैं बिना रुके हुए निकल चुकी थी, क्योंकि मेरा 15 से 20 मिनट का रास्ता था जो मुझे कवर करना था वर्षिणी पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मेरी बस का टाइम हो चुका था। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद में मुझे मेरी बस आ चुकी थी, और मैं बस के अंदर बैठ चुकी थी। सो गाइस, फाइनली मेरी बस आ गई है, और मैं बस के अंदर बैठ गई हूँ, क्योंकि कोई है नहीं बस के अंदर। तो ये मुझे उतारेगी कुल्लू, एंड कुल्लू या भुंतर उतारेगी मुझे, एंड भुंतर से मैं लूँगी दिल्ली के लिए बस। सो अभी बस में बैठी हुई पैसेंजर्स में पहले ही बैठ गई थी। यहाँ से चलने के बाद मैंने रास्ते में, जब तक दिन था, तो मैंने थोड़ा कैमरा ऑन रखा, छोटा सा एक पानी का झरना था, उसके सहारे चल रहे थे। एंड थोड़ी देर के बाद मैं सो गई थी, काफ़ी थकान थी, 3 से 4 घंटे का रास्ता था। उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी भुंतर, एंड जो दिन में मुझे झरना दिख रहा था, रात हो चुकी थी, पहाड़ काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे थे लाइटिंग की वजह से, जो आप पीछे देख सकते हो। और उसके बाद मैंने बस पकड़ के मैं सो गई, मैं उतरी थी चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ में 5 बजे उतरने के बाद में मैंने बस पकड़ी थी हरियाणा रोडवेज की दिल्ली के लिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिल पा रही थी कोविड की वजह से। हरियाणा रोडवेज बस में बैठने के बाद में हरियाणा रोडवेज ने मुझे पहुँचा दिया था तकरीबन 4 से 4.5 घंटे में, और उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी अपनी प्यारी दिल्ली में। तो मेरा सफ़र जो था काफ़ी सुहाना रहा, काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, एंड ये मेरी काफ़ी बहुत ही अच्छी ट्रिप रही है दिल्ली से खीर गंगा की। बहुत ही मेरे जो पैसे एक बजटेड होता है वो मेरा ऑलमोस्ट 4500 रुपीज़ का मेरा पर पर्सन का पड़ा है, अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरा फूड की कॉस्टिंग आई है वो मेरी फूड के ऊपर आई है, अराउंड 2000 to 2500 के समथिंग मेरी आई है। सो मेक श्योर कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना फूड भी कैरी करके चल सकते हो, एंड एनर्जिक फूड ओनली, एंड आपके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली उनको कैरी करना इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि सर्दी भी होती है, कभी कभी आपको गर्मी भी लग सकती है, तो उस हिसाब से आप अपने क्लोथ्स को कैरी करके चलें। ज़्यादा वेट आप कैरी करके ना चलें, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ाई के टाइम पे, उतरने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो सकता है वहाँ पे। अगर आप किशनगढ़ ट्रैवल कर रहे हो तो आप BSNL का जो सिम कार्ड है वो कैरी करके चले, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क सबसे ज़्यादा BSNL के होंगे। आपके जो बाकी के मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो मिड के बाद आपके ख़त्म हो जाता है उनका नेटवर्क्स आना, एंड बाकी आप सिर्फ अपने मोबाइल से ही वीडियो वगैरह बना सकते हो। मैं जब मंदिर के अंदर गई थी तो वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, और पार्वती कुंड में भी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो मैं वो चीज़ आपको जहाँ तक पॉसिबल था मैं उन्हें आपको चीज़ दिखा दी थी। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा, और आप नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं ट्रैवल करूँगी, तो मैं मेक श्योर कि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से व्लॉग में शो करूँ वो सारी चीज़ें जो इस टाइम पे कुछ मिस रह गया होगा। अदरवाइज़ मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप लोगों को अगर आप ट्रैवल करें तो आपको एक आइडिया हो सकता है कि हाँ मुझे किस तरीके से किस क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं ट्रैवल कर सकते हूँ वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप के किसी व्लॉग पे। सो आई होप, सो तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड आपकी फ़ैमिली के साथ रहिए, अपनी फ़ैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।